सफेद आईएफएस ऑफिसर ज्योति मिश्रा बेनकाब हो गई हैं। मिश्रा की बेटी ने झूठ का ऐसा चक्रव्यूह रच डाला कि उसके पास यूपीएससी सिलेक्शन लिस्ट से लेकर आईएफएस की फेक आईडी तक सब कुछ मौजूद था, लेकिन अब वो पकड़ी गई है। आप इन तस्वीरों को देखिए। यूपी पुलिस के सब इंस्पेक्टर की बेटी ने यूपीएससी पास कर ली। नाम है ज्योति मिश्रा। ज्योति मिश्रा का नाम अखबारों में छप गया। विधायक और सांसद ने उसका सम्मान समारोह भी कर दिया। बाकायदा यूपी पुलिस ने ट्वीट करके उसे यूपीएससी में सेलेक्ट होने की बधाई भी दे दी। लेकिन जब हकीकत सामने आई तो लोगों ने दांतों तले उंगलियां दबा ली। आपने फर्जी अफसरों की कहानियां सुनी होंगी। कोई फर्जी इंस्पेक्टर बनकर तो कोई फर्जी अधिकारी बनकर दोष दिखाता हुआ अक्सर धरा जाता है। ऐसी खबरें अक्सर मीडिया की सुर्खियां बनती हैं। लेकिन अब एक आईएफएस ऑफिसर की ऐसी फर्जी कहानी सामने आई है जिसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। देश की सबसे बड़ी परीक्षा यूपीएससी के लिए सबसे बड़ा झूठ बोला गया, और जब ये झूठ खुला तो सबके मुंह पर ताला लग गया। 2022 में यूपीएससी की परीक्षा में चयनित होने का दावा करने वाली ज्योति मिश्रा का मामला सामने आया है। इसे लेकर कई तरह की पोस्ट सोशल मीडिया पर वायरल हुए। एक पोस्ट में कहा गया कि जनरल कोटे की ज्योति मिश्रा एससी कैटेगरी से आईएफएस ऑफिसर बन गई है। लेकिन जब पूरा सच सामने आया तो हर कोई हैरान रह गया। आरक्षण कोटे की चर्चा के दौरान सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट में ज्योति मिश्रा को एससी कोटे में चयनित दिखाया गया था, जिसके बाद ज्योति मिश्रा की ओर से सफाई भी आई। ज्योति मिश्रा ने खुद को आईएफएस ऑफिसर बताया और कहा कि वो मैड्रिड एम्बेसी में यानी स्पेन में तैनात हैं। हालांकि इस पोस्ट के समर्थन में भी कई पोस्ट किए गए और कहा गया कि ब्राह्मण होने की वजह से रायबरेली की बेटी को टारगेट किया जा रहा है। बाद में ज्योति मिश्रा ने अपनी सफाई वाली पोस्ट को डिलीट कर लिया। दरअसल जब जांच आगे बढ़ी तो पता चला कि ज्योति मिश्रा का कभी यूपीएससी में सिलेक्शन हुआ ही नहीं था, लिहाजा ज्योति कभी मैड्रिड में यानी स्पेन में तैनात ही नहीं रही। उसने खुद को यूपीएससी में सेलेक्ट होने की फर्जी कहानी बनाई और घर वालों को कह दिया कि वो स्पेन में भारतीय एम्बेसी में तैनात है। टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक यूपी के रायबरेली की रहने वाली ज्योति मिश्रा ने कभी यूपीएससी की परीक्षा पास ही नहीं की, बल्कि उसने ज्योति नाम की ही दूसरी लड़की के नाम पर यूपीएससी का फर्जी रिजल्ट बना लिया। दूसरी जो ज्योति थी वो शेड्यूल कास्ट की कैटेगरी से थी। लेकिन जब सोशल मीडिया पर बवाल हुआ तो ज्योति मिश्रा ने लंबी चौड़ी ट्विटर पर पोस्ट लिखी और कहा कि उसने तो कभी कोटा लिया ही नहीं, और उसने अपने दम पर 2022 में यूपीएससी में 432 रैंक हासिल की है, जबकि हकीकत यह है कि उसने कभी यूपीएससी पास ही नहीं की। लेकिन बावजूद इसके वो झूठ बोलती रही। ज्योति मिश्रा ने अपने माँ बाप से कह रखा था कि वो मैड्रिड यानी स्पेन में इंडियन एम्बेसी में बतौर प्रोबेशन अधिकारी पोस्टेड है। यही नहीं, वो अक्सर अपने घर आती तो ये दिखाती कि वो स्पेन से सीधे घर आई है, लेकिन वो स्पेन एम्बेसी में नहीं बल्कि दिल्ली में गुपचुप तरीके से रह रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया ने स्पेन में भारतीय एम्बेसी से संपर्क किया और ज्योति मिश्रा के बारे में जानकारी मांगी। एम्बेसी के प्रवक्ता अमन चंद्रा ने जवाब दिया कि स्पेन में भारतीय एम्बेसी में ज्योति मिश्रा नाम की कोई अधिकारी ही नहीं है। मीडिया ने पता लगाया तो मालूम हुआ कि ज्योति मिश्रा तो दिल्ली में रह रही है, लेकिन वो आईएफएस अधिकारी होने का पूरा दिखावा करती रही। तस्वीरों से लेकर डिप्लोमेटिक पासपोर्ट तक ज्योति मिश्रा ने झूठ का ऐसा चक्रव्यूह रचा कि मीडिया से लेकर उसके माँ बाप तक कोई उसका झूठ पकड़ ही नहीं पाया। लेकिन अब जाकर उसकी पोल खुल गई है। सोशल मीडिया पर आरोप लगा कि ज्योति मिश्रा ने फर्जी एससी सर्टिफिकेट बनवाकर आईएएस का पद हासिल कर लिया, जिसके जवाब में ज्योति मिश्रा ने खुद को आईएफएस ऑफिसर बताया। वो तो 2022 से ही अपने परिवार को बेवकूफ बना रही थी, लेकिन अब उसकी पोल खुल गई है। ज्योति मिश्रा ने मीडिया से कहा कि वो यूपीएससी नहीं निकाल पाई थी, जिस कारण वो मानसिक तनाव में थी, और उसने दूसरी लड़की के नाम पर खुद को यूपीएससी का सफल कैंडिडेट बता दिया। लेकिन अब पोल खुलने के बाद हर कोई ये कह रहा है कि मिश्रा की बेटी से सीखो झूठ कैसे बोला जाता है। इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्या फर्जीवाड़ा, इस पर आप क्या सोचते हैं कमेंट करके लिखें। आपसे अपील है वीडियो को शेयर करें और द न्यूज वीक को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो के अंत में आपसे एक छोटी सी अपील। साथियों, अगर आपको द न्यूज वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अंबेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस क्यूआर कोड को स्कैन करें और न्यूज वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। क्यूआर कोड के अलावा आप यूपीआई के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी यूपीआई आईडी newsweek@yesbank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358700000640, आईएफएससी कोड है YesB00002 35, बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस दिल्ली।
आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें, टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।